आज फिर से कन्हैया कुमार जो पूरा भारत देश भारत वर्ष की एक आवाज़ है हमारे बीच मौजूद होंगे 19 तारीख 19 मार्च में। उनके साथ कन्नन गोपीनाथन भी आ रहे हैं जो पूर्व IAS है। ये सम्मेलन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो बहुत पुरानी संस्था है 1936 की बनी हुई ये संस्था है, आज इनके बैनर तले कन्हैया कुमार यहाँ सिवान में आ रहे हैं और इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने गांधी मैदान की आम सभा से शुरुआत करी है और ये 3 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, आजकल का हालात महत्वपूर्ण बन जाता है इसलिए भी क्योंकि किसानों का मुद्दा है, किसान आंदोलन चल रहे हैं और सरकार उनके प्रति बड़ा नकारात्मक उनका रवैया रहा है। तो हम चाहेंगे कन्हैया कुमार की आवाज़ उन किसानों की आवाज़ बन के हमारे जिलावासियों तक पहुँचे और पूरे बिहार तक, बिहार राज्य सरकार के कानों तक पहुँचे और केंद्र तक इनकी बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हालात सिर्फ छात्र की नहीं है, छात्र से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो छात्र के उठने वाले सवालात हैं, चाहे उनके शिक्षा प्रणाली की बात कर लें या चाहे उनके एग्जामिनेशन की बात कर लें कि जो टाइम से नहीं होते हैं, वो सारे मुद्दे बहुत सारी ऐसी हैं जो कन्हैया कुमार की आवाज़ बन करके इन सब मुद्दों की आवाज़ हम सब सुनेंगे। सिवानवासियों के लिए इसलिए गौरव की बात है कि ये 32वां राज्य सम्मेलन है, इससे पहले 31 राज्य सम्मेलन हुए हैं लेकिन सिवान में आज पहली बार ये सम्मेलन होने जा रहा है राज्य स्तरीय, जहाँ पूरे राज्य से अलग अलग तरह के लोग आएंगे यहाँ पे और विभिन्न दलों से भी लोग यहाँ रहेंगे और जिसकी तैयारियाँ बहुत जोरों शोर से चल रही है और उम्मीद किया जा रहा है कि इन संख्या यहाँ पे 20-25 हज़ार लोग पहुँचेंगे इस कार्यक्रम में। उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं और गांधी मैदान की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी हुई है और बाकी जो सम्मेलन होने वाले हैं 2 दिन के लिए कांग्रेस भवन में। पहला छात्र संगठन है उसका 32वां बिहार राज्य सम्मेलन सिवान कन्नन में हो रहा है। इस सम्मेलन यह सम्मेलन पहली बार ऐसा सम्मेलन पहली बार सिवान कन्नन में हो रहा है। इस सम्मेलन की खास बात होगी कि 19 मार्च को एक विशाल आम सभा सिवान के गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिस आम सभा को संबोधित करने के लिए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एवं पूर्व IAS कन्नन गोपीनाथन जी आ रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण शख्सियत उस आम सभा को संबोधित करेंगे। 19, 20 और 21 को एक 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होगा वह कांग्रेस ऑफिस में गौशाला रोड में स्थित कांग्रेस ऑफिस में होगा और इस 3 दिवसीय आयोजन के क्रम में अलग अलग कई सारे शख्सियत पटना विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय और बिहार के कई अच्छा विश्वविद्यालयों से लोग भाग लेंगे और पूरे राज्य भर के छात्र प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लगभग 300 प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन में शिरकत करने का अनुमान है और इस सम्मेलन की खास बात यह भी है 20 मार्च को एक सेमिनार होगा, सेमिनार का विषय युवा पीढ़ी और जनतांत्रिक व खुशहाल भारत के निर्माण की चुनौतियां विषय रखा गया है। साथ ही साथ इस सम्मेलन में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मसले पर पूरे राज्य के अंदर में एक राज्यव्यापी संघर्ष का ऐलान किया जाएगा, राज्यव्यापी संघर्ष की पूरा रूपरेखा बनेगी। AISF का सम्मेलन हर 3 साल पर होता है, 31 सम्मेलन अभी तक सिवान के बाहर हुआ था और सिवान के अंदर में पहली बार सम्मेलन हो रहा है, तो यह अपने आप में बहुत सिवान के लिए खास बात होगी। इस सिवान के इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए खासतौर पर सिवान के जो अलग अलग जो सेकुलर डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं, यहाँ तक कि महागठबंधन के हमारे जो विधायक हैं, ये सारे लोग हमारे स्वागत समिति के पार्ट एंड पार्सल हैं और सब लोगों की कहीं ना कहीं किसी न किसी सत्र में मौजूदगी हो और इस सम्मेलन को कामयाब बनाने में सबका सहयोग हमें दा। संख्या क्या रहेगी? लगभग में 300 लोग प्रतिनिधि बाहर के आने का अनुमान है और बाकी यहाँ के स्थानीय लोग। सुशील कुमार, राष्ट्रीय सचिव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।